दोस्तों यहां पर कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि Realme अपने इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में Realme 11 सीरीज के दो नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने वाली है। पहला स्मार्टफोन होगा Realme 11 5G, दूसरा स्मार्टफोन है Realme 11X 5G। अब यहां पर मैं बता दूं कि आज यहां पर इन स्मार्टफोन की जो नई लॉन्च डेट है वो ऑफिशियली कंपनी तरफ से रिवील कर दी गई है। कंपनी ने यह 100% कंफर्म कर दिया कि ये Realme के 11 सीरीज के दो स्मार्टफोन कब लॉन्च होने वाले हैं। ये स्मार्टफोन ऑफिशियली Flipkart पे भी लिस्ट हो चुके हैं, इनके फीचर्स भी आ चुके हैं जो कि आज की इस वीडियो को बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट देखते रहना। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। Realme अपने 11 सीरीज में दो नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने के लिए प्लान कर चुका है। पहला स्मार्टफोन है Realme 11 5G, दूसरा स्मार्टफोन है Realme 11X 5G। ये जो स्मार्टफोन है पहले कहा जा रहा था कि 25 अगस्त के आसपास में लॉन्च हो सकते हैं, लेकिन फाइनली यहां पर इनकी जो नई लॉन्च डेट है वो निकल कर आ चुकी है Flipkart पे, और यहां पर जो नई लॉन्च डेट है वो लीक्ड लॉन्च डेट से चेंज है। और यहां पर जो नई लॉन्च डेट है उससे ये पता चला है कि ये जो स्मार्टफोन है इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में 23 अगस्त को दोपहर के 12 बजे लॉन्च होने वाले हैं। 23 अगस्त को सेम लॉन्च इवेंट में ये दोनों स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं, और मैंने आपको बीच में कहा भी था कि 23 के आसपास लॉन्च होने वाले हैं। इन स्मार्टफोन में कंपनी ने पहले ही हाईलाइट कर दिया है कि आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलने वाला है, जो कि होगा Realme 11 5G स्मार्टफोन में। 3x जूम भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। दोनों के दोनों जो स्मार्टफोन से वो यहां पर 5G होने वाले हैं। एक जो स्मार्टफोन होगा उसमें आपको MediaTek Dimensity 6100 प्लस का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि होगा Realme 11 5G, और दूसरे स्मार्टफोन है MediaTek Dimensity 6020 का 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि होगा Realme 11X 5G। Realme 11X 5G जो है वो यहां पर Realme 11 से थोड़ा सस्ता होगा, और इसमें थोड़े डाउनग्रेडेड फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। बाकी दोनों ही स्मार्टफोन में आपको IPS डिस्प्ले पैनल देखने को मिलने वाले हैं, और यहां पर अगर आप जाकर के Flipkart पे चेक करेंगे तो शाहरुख खान के साथ में इसका एक टीजर भी यहां पर आ चुका है, जिसे इस स्मार्टफोन का जो बैक पैनल है वो कन्फर्म हो जाता है। दोनों स्मार्टफोन की जो डिजाइनिंग है वो सेम टू सेम होने वाली है। दोनों ही स्मार्टफोन्स में सेम सर्कुलर शेप में जो कैमरे की डिजाइनिंग है वो दी गई है, और यहां पर दोनों ही स्मार्टफोन्स में जो फ्लैटेस्ट डिस्प्ले डिजाइन के साथ में डिस्प्ले है वो देखने को मिलती है। कोई भी यहां पर कर्व डिस्प्ले आपको देखने को नहीं मिलती। सेंटर पंचोर डिस्प्ले डीआर के साथ में डिस्प्ले दी गई है। जो Realme 11 5G है इसमें आपको 67 वाट का चार्जर देखने को मिलने वाला है। साथ में यहां पर अगर बात करूं बैटरी के बारे में तो 5000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलने वाली है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, और 5G तो होने ही वाला है। तो Realme 11 जो स्मार्टफोन है वो काफी किलर स्मार्टफोन होने वाला है, अगर इसकी जो प्राइस है वो काफी एग्रेसिव कंपनी रखती है। बाकी प्राइसिंग के बारे में बात कर ले तो कहा जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है Realme 11X 5G वो 15,000 से नीचे की प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होगा, और जो Realme 11X और जो Realme 11 5G है वो हमें कुछ यहां पर इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में 16,000 से 17,000 रुपए के बीच में इसका जो बेस वेरिएंट है वो स्टार्ट होने वाला है। तो देखते हैं क्या चीजें निकल करके आती है। बाकी ये थी कुछ ऑफिशियल 100% कंफर्मेशन इन स्मार्टफोन्स के बारे में। जो स्मार्टफोन है वो टोटली कंफर्म कर दिए गए हैं Flipkart पे, अगर आप जाएं तो जाकर के चेक भी कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है Realme 11 और Realme 11X 5G स्मार्टफोन के बारे में? अपना ओपिनियन हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। फिलहाल ये था कुछ वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना।